आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हाजीपुर सुगौली रेल परियोजना में वैशाली जिले में आरओबी और अप्रोच रोड बनाने के लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस मिल चुका है। इस संबंध में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने स्टेज वन की सैद्धांतिक अनुमति दे दी है। इसके अनुसार परियोजना में करीब 0.91 हेक्टेयर वन भूमि का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस परियोजना में करीब 125 वृक्षों का ट्रांसलोकेशन किया जाएगा, यानी पेड़ों को काटा नहीं जाएगा बल्कि उन्हें एक जगह से उखाड़कर दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। साथ ही राज्य सरकार क्षतिपूर्ति के रूप में करीब 1250 पौधे लगाने सहित इसकी देखरेख की जिम्मेदारी उठाएगी। रेलवे के सूत्रों ने दावा किया है कि जून महीने के अंत तक हाजीपुर से वैशाली के बीच इस रेल मार्ग पर ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। वहीं हाजीपुर सुगौली रेल परियोजना में सभी आरओबी और अप्रोच रोड बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, इसे पथ निर्माण विभाग बनवाएगा। इस संबंध में पिछले साल राज्य सरकार और रेलवे के बीच समझौता हुआ था। इस परियोजना में अभी सुगौली के पास करीब 500 मीटर की लंबाई में जमीन अधिग्रहण का काम बाकी है। वहीं इसे पूरा होने पर रेल पटरी बिछाने का काम पूरा होगा। वहीं पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने बताया है कि हाजीपुर और वैशाली के बीच रेल पटरी बिछाने, स्टेशन और प्लेटफॉर्म बनाने सहित अन्य सभी काम पूरा हो चुका है और जल्द ही ट्रायल रन होगा। इसके बाद संभवतः मार्च से जून के बीच हाजीपुर और वैशाली के बीच आम लोगों के लिए ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा। हाजीपुर और सुगौली के बीच भी केवल 500 मीटर की लंबाई में जमीन अधिग्रहण की समस्या के कारण काम बाधित रहा था। स्थानीय प्रशासन द्वारा वहां के ग्रामीणों को समझाया जा रहा है, जल्द ही समस्या के दूर होने की संभावना है। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियां देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।